नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बारे में। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, कैंटोनमेंट बोर्ड रानीखेत के द्वारा ये जारी किया गया है। कैंटोनमेंट बोर्ड रानीखेत के द्वारा वैकेंसीज का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सभी पदों के लिए आपको जो एप्लीकेशन से इन्वाइट की गई हैं, सभी पदों के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा आपके पास कोई अन्य माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट बताई गई है, वो वेबसाइट आप एक बार आप नोट कर सकते हैं। वेबसाइट आपकी इस प्रकार से है, mponline.gov.in iforms.mp.online.gov.in ये वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और इस एडवर्टाइजमेंट को, डिटेल एडवर्टाइजमेंट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आपको रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है rani-khet.kent.gov.in उसके ऊपर जाकर आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट को। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको mponline.gov.in पर जाना होगा और डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आपको रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। आगे देखेंगे पोस्टों की डिटेल और कितनी कितनी पोस्टें हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए किसी भी राज्य का कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है और ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकता है। आगे की वीडियो में देखें कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एक बार। सबसे जो पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट टीचर की, और असिस्टेंट टीचर की जो पोस्ट है प्राइमरी टीचर की, यहाँ ये पोस्ट है। प्राइमरी टीचर के लिए जो वैकेंसी हैं वो कुल 4 वैकेंसी हैं, 3 जनरल में हैं, 1 एससी में है। 21 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए बैचलर डिग्री, प्लस आपके पास स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राइमरी लेवल का आपने क्वालिफाई कर रखा होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बेसिक टीचर ट्रेनिंग का भी एक सर्टिफिकेट BTC आपने पास कर रखा हो या आपके पास BEd एग्ज़ाम आपने पास कर रखा होगा तो आप असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है फॉरेस्टर की है, 1 वैकेंसी। फॉरेस्टर के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इंटरमीडिएट यानी कि +2 साइंस से या एग्रीकल्चर से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एक स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में जो रनिंग होगी 25 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, और स्किल टेस्ट में फीमेल कैंडिडेट के लिए फॉरेस्टर के लिए 14 किलोमीटर की रनिंग होगी। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, मीटर रीडर की एक वैकेंसी है, 1 अनरिजर्व की। 21 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, 10+2 क्वालिफिकेशन रहेगी और रिटन टेस्ट के बेस के ऊपर ही आपका जो चयन होगा। और अप्लाई करने के लिए आपको जो समय बताया गया वो समय आप एक बार नोट कर लें, 15 जनवरी 2023 से ये जो लिंक है mponline.gov.in पर शुरू हो जाएगा और 1 मार्च 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 जनवरी से लेकर 1 मार्च 2023 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं इन सभी पदों के लिए। और डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप इसको जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद।